हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है कॉमलर्न के यूट्यूब चैनल पे, जहां आज हम बात करने वाले हैं हार्डवेयर के बारे में और सॉफ्टवेयर के बारे में। कंप्यूटर फंडामेंटल्स का ये आप चौथा वीडियो देख रहे हैं। इससे पहले मैंने और वीडियो डाला है जो कि आप मेरे प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलिए एक एक करके इन सबको हम समझते हैं। सबसे पहले हम हार्डवेयर के बारे में जानते हैं कि हार्डवेयर क्या होता है। ये सारे जो आप फिगर में देख रहे हैं, ये सारे क्या है, हार्डवेयर के कंपोनेंट्स हैं। इसमें पावर सप्लाई है, डीवीडी रोम है, मदरबोर्ड है, सीपीयू है, रैम है, वीजीए कार्ड है, साउंड कार्ड, हार्ड डिस्क, और ये मेमोरी कार्ड रीडर है, ये ऑल इन वन रीडर है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, जहाँ पे हम हार्डवेयर के बारे में जानेंगे। अब हम समझते हैं कि हार्डवेयर होता क्या है। तो सबसे पहले यहाँ लिखा है कंप्यूटर हार्डवेयर इंक्लूड्स द फिजिकल पार्ट्स ऑफ अ कंप्यूटर। कंप्यूटर हार्डवेयर क्या होता है, जो कंप्यूटर के इंटरनल कंपोनेंट्स होते हैं उसी को हम कंप्यूटर हार्डवेयर कहते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं, फिजिकल पार्ट। एनी पार्ट ऑफ द कंप्यूटर दैट वी कैन टच दिस पार्ट, वैसा कोई पार्ट जिसको हम टच कर सकते हैं उसको हम क्या कहेंगे, हार्डवेयर कहेंगे। जैसे कि सीपीयू, मॉनिटर, माउस, कीबोर्ड, कंप्यूटर डाटा स्टोरेज, ग्राफिक्स कार्ड, साउंड कार्ड, स्पीकर एंड मदरबोर्ड, ये सारे क्या हुए, आपके हार्डवेयर पार्ट्स हुए। एक्सटर्नल हार्डवेयर डिवाइसेज आर यूजुअली कॉल्ड पेरिफेरल्स। जो बाहरी हार्डवेयर डिवाइसेज होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, पेरिफेरल्स कहते हैं। कंप्यूटर डेट कॉज प्रोसेसिंग ऑफ डाटा इट इज मैन्युफैक्चर्ड हार्डवेयर कैन नॉट परफॉर्म एनी टास्क विदाउट सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर में जो डाटा का प्रोसेसिंग होता है वो हार्डवेयर पार्ट्स में ही होता है, और ये क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर होता है। और हार्डवेयर क्या होता है कि हार्डवेयर विदाउट सॉफ्टवेयर वो वर्क नहीं करेगा। इसके लिए हमको क्या होगा कि ओएस का यूज करना होता है जो कि हार्डवेयर से इंटरेक्ट करवाता है यूजर को। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम समझते हैं कि सॉफ्टवेयर क्या होता है। सॉफ्टवेयर इज अ कलेक्शन ऑफ डाटा और कंप्यूटर इंस्ट्रक्शंस दैट टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क। सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटा का कलेक्शन होता है जो कंप्यूटर क्या करता है, इंस्ट्रक्शन देता है कि वो कैसे काम करे। जैसे कि मैंने यहाँ पे फिगर में बताया है कि सबसे पहले यूजर क्या करता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के थ्रू रिक्वेस्ट सेंड करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर यानी ओएस को रिक्वेस्ट सेंड करता है। उसके बाद सिस्टम सॉफ्टवेयर किसको, हार्डवेयर को रिक्वेस्ट सेंड करता है। इस तरीके से पूरा प्रोसेस चलता है। अब हम समझते हैं मेजर सॉफ्टवेयर टाइप, जो प्रमुख सॉफ्टवेयर होते हैं उसके बारे में हम थोड़ा जान लेते हैं। सबसे पहला होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर, फिर होता है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ये जो कैटेगरी होते हैं वो मेन कैटेगरी होते हैं। उसके बाद ये सारे अदर कैटेगरी में आते हैं, सारे सॉफ्टवेयर के ही पार्ट होते हैं पर अदर कैटेगरी में आते हैं। ये होते हैं फ्रीवेयर, शेयरवेयर, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और क्लोज्ड सोर्स सॉफ्टवेयर। तो चलिए एक एक करके इन सबको हम समझते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट कंट्रोल एंड मैनेज द ऑपरेशंस ऑफ कंप्यूटर हार्डवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है बहुत सारे प्रोग्रामों का सेट होता है जो कि कंट्रोल और मैनेज करता है कंप्यूटर हार्डवेयर के ऑपरेशंस को मैनेज करता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज डिजाइन टू कंट्रोल द ऑपरेशन एंड एक्सटेंड द प्रोसेसिंग फंक्शन। सिस्टम सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, ऑपरेशन को कंट्रोल करना और उस प्रोसेस को हार्डवेयर तक पहुंचाना। टाइप्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, सिस्टम सॉफ्टवेयर में भी डिफरेंट टाइप्स होते हैं, जिसमें पहला आता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है, ट्रांसफॉर्म्स द इंस्ट्रक्शंस प्रिपेयर्ड बाय डेवलपर्स इन अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इनटू अ फॉर्म दैट कैन बी इंटरप्रेटेड और कंपाइल्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय अ कंप्यूटर सिस्टम। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज ट्रांसलेटर का काम क्या होता है कि ये क्या करता है कि जो प्रोग्रामर के द्वारा प्रोग्राम लिखा जाता है उसको क्या करता है, इंटरप्रेट और कंपाइल करता है, जिससे कि कंप्यूटर उस चीज को इजिली समझ सके। ये सारे एग्जाम्पल हैं जिसमें कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर आता है इसमें। और कंपाइलर के जो एग्जाम्पल होते हैं उसमें माइक्रोसॉफ्ट विजुअल स्टूडियो, कंपाइलर कलेक्शन और कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज कोबोल, ये सब आते हैं। फिर आता है इंटरप्रेटर जिसमें ओकैम लिस्ट प्रोसेसिंग या फिर पाइथन आता है। और असेंबलर किसको असेंबल करता है, फोर्टेन असेंबली प्रोग्राम, माइक्रो असेंबली प्रोग्राम और सिंबॉलिक असेंबली प्रोग्राम को ये ट्रांसलेट करता है मशीन लेवल लैंग्वेज पे। अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब फिर आता है ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू फॉर द इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ ऑल हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम क्या होता है कि जितने भी सिस्टम के हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर होते हैं उन सबको यूटिलाइज करना और उसको कैसे यूज करना है, ये
ऑपरेटिंग सिस्टम ही डिसाइड करता है। अब ऑपरेटिंग सिस्टम में एग्जांपल होते हैं MS-DOS, विंडोज, लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, पोलरिज ऑपरेटिंग सिस्टम, macOS फॉर सिस्टम, एप्पल iOS फॉर आईफोन एंड आईपॉड टच, यूनिक एंड एंड्रॉइड। ये जान लेते हैं कि यूटिलिटी प्रोग्राम्स क्या होते हैं। यूटिलिटी प्रोग्राम आर अ सेट ऑफ प्रोग्राम्स दैट हेल्प यूजर्स इन सिस्टम मेंटेनेंस टास्क एंड इन परफॉर्मिंग टास्क ऑफ रूटीन नेचर। इसके जो एग्जांपल होते हैं एंटीवायरस एंड सिक्योरिटी सॉफ्टवेयर जो आते हैं यूटिलिटी प्रोग्राम्स में ही आते हैं। तो यूटिलिटी प्रोग्राम क्या होता है, ये भी सेट ऑफ प्रोग्राम्स होता है और ये भी सिस्टम सॉफ्टवेयर ही होता है जो सिस्टम के मेंटेनेंस में पार्टिसिपेट करता है और सिस्टम के लगातार वर्क करने में हेल्प करता है, जिसमें आता है आपका फाइल कंप्रेसर, डिस्क क्लीनर, डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन सॉफ्टवेयर, डाटा बैकअप सॉफ्टवेयर। ये सारे जो सॉफ्टवेयर आते हैं इसी को हम यूटिलिटी सॉफ्टवेयर या यूटिलिटी प्रोग्राम कहते हैं। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। सिस्टम सॉफ्टवेयर में ही आता है ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है ये चलिए समझ लेते हैं। ऑपरेट एंड कंट्रोल डिवाइसेज पैरल्स प्लग्ड इनटू अ कंप्यूटर। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या काम करता है कि जो भी सिस्टम में कंपोनेंट्स होते हैं उन सबको क्या करता है, ऑपरेट करता है और कंट्रोल करता है। ड्राइवर्स आर इम्पोर्टेंट बिकॉज दे इनेबल द डिवाइसेज टू परफॉर्म देयर डिजिनेटेड टास्क। ड्राइवर इसलिए इम्पोर्टेंट होते हैं कि जितने भी सिस्टम में कंपोनेंट लगे होते हैं उन सबका एक स्पेसिफिक काम होता है और वो काम कौन करवाता है, तो वो काम ड्राइवर ही करवाता है। दे डू दिस बाय ट्रांसलेटिंग कमांड्स ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर द हार्डवेयर और डिवाइसेज असाइनिंग ड्यूटीज। ड्राइवर सॉफ्टवेयर क्या करता है, जो भी इंस्ट्रक्शन आता है उस कमांड को क्या करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम के लायक ट्रांसलेट करता है और हर डिवाइस को कैसे काम करना है वो ये बताता है। जैसे कि प्रिंटर ड्राइवर हुआ, माउस ड्राइवर हुआ, नेटवर्क कार्ड हुआ, तो ये सारे कैसे हैंडल होते हैं, तो ये सारे हैंडल होते हैं आपके ड्राइवर सॉफ्टवेयर के थ्रू ही। जैसे कि हम समझते हैं कि जब कोई यूजर प्रिंटर से रिक्वेस्ट सेंड करता है तो क्या होता है, तो सिस्टम ड्राइवर ही उस यूजर इंस्ट्रक्शन को ट्रांसलेट करता है जिससे कि OS उस चीज को समझ सकता है और OS रिक्वेस्ट किसको भेजता है, हार्डवेयर को भेजता है। तो क्या होता है कि वो प्रिंटर के थ्रू हमें प्रिंट मिल जाता है। तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब हम समझते हैं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में। इसका जो मेन काम होता है, इट इज मोस्टली क्रिएटेड टू परफॉर्म ए स्पेसिफिक टास्क फॉर अ यूजर। इसका जो मेन काम होता है एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करवाने के लिए इसका यूज होता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक्ट्स एज अ मीडिएटर बिटवीन द एंड यूजर एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर। इट इज आल्सो नोन एज एन एप्लीकेशन पैकेज। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर एक मीडिएटर का काम करता है किसके बीच में, एंड यूजर और सिस्टम सॉफ्टवेयर के बीच में। इसको हम एप्लीकेशन पैकेज के नाम से भी जानते हैं। दिस टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर इज रिटन यूजिंग अ हाई लेवल लैंग्वेज लाइक सी, जावा, वीवी, .NET, etc. इस तरीके का जो लैंग्वेज लिखा जाता है वो एक्चुअली हाई लेवल लैंग्वेज में ही अधिकतर लिखा जाता है, जैसे कि सी में, जावा में, वीवी में, .NET में या और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होते हैं उन सारे में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को लिखा जाता है। टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहला होता है वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, इट मेक्स यूज ऑफ अ कंप्यूटर फॉर क्रिएटिंग, मॉडिफाइंग, व्यूइंग, स्टोरिंग, रिट्रीविंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स। इस तरीके का सॉफ्टवेयर जनरली हम लोग डॉक्यूमेंट क्रिएट करने के लिए, उसमें कुछ चेंजेस करने के लिए, देखने के लिए या कुछ डाटा को स्टोर करने के लिए या फिर डाटा को पूरा वापस प्राप्त करने के लिए या फिर उस डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम लोग यूज करते हैं। वर्ड प्रोसेसिंग में मेनली क्या क्या आता है, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड आता है, वर्ड पैड आता है, एप्पल वर्क्स आता है एंड नोटपैड, ये सबको हम वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं। अब हम समझते हैं डाटाबेस सॉफ्टवेयर के बारे में। डाटाबेस सॉफ्टवेयर क्या होता है, डाटाबेस सॉफ्टवेयर इज ए कलेक्शन ऑफ रिलेटेड डाटा डैट इज स्टोर्ड एंड रिट्रीव्ड अकॉर्डिंग टू यूजर डिमांड। डाटाबेस क्या करता है, कोई भी डाटा को स्टोर करता है, रिट्रीव करता है, मतलब वापस लेता है जैसा यूजर का डिमांड होता है। जैसे कि डाटाबेस सॉफ्टवेयर में आता है आपका ओरेकल, MS Access, FileMaker Pro,
ये सारे आपके डाटाबेस के एग्जाम्पल होते हैं। फिर आता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर। इट अलाउज कंप्यूटर सिस्टम फॉर क्रिएटिंग, एडिटिंग, ड्राइंग्स, ग्राफ्स, ईटीसी। ग्राफिक सॉफ्टवेयर का जो मेन काम होता है किसी चीज़ को ड्राइंग करना, किसी चीज़ को क्रिएट करना या फिर उसमें कुछ एडिटिंग करना, ये सब काम जो होता है ग्राफिक सॉफ्टवेयर का काम होता है, जिसमें आपका एडोब फोटोशॉप, एडोब इनडिजाइन, एडोब लाइटरूम, ये सब क्या है, एक ग्राफिक सॉफ्टवेयर है जिसपे आप किसी भी इमेज या किसी भी चीज़ को एडिट कर सकते हैं। फिर आपका आता है स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर इज ए न्यूमेरिक डाटा एनालिसिस टूल डैट अलाउज यू टू क्रिएट अ कंप्यूटराइज लेजर। स्प्रेडशीट का हम मेनली यूज करते हैं न्यूमेरिक डाटा को एनालिसिस करने के लिए, जैसे कि वो भी हमारा लेजर अकाउंट हुआ या किसी तरीके का कोई न्यूमेरिक एडिशन या कैलकुलेशन के लिए हम स्प्रेडशीट का जनरली यूज करते हैं। इसके जो मेन एग्जाम्पल होते हैं वो होते हैं एप्पल नंबर्स, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल एंड क्वाट्रो प्रो। स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंदर आता है। अब हम समझते हैं कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर अलाउज अस टू ट्रांसफर डाटा एंड प्रोग्राम फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। कम्युनिकेशन सॉफ्टवेयर का काम क्या होता है, डाटा का ट्रांसफर करना या प्रोग्राम का ट्रांसफर करना, कहाँ पे, एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम पे। जैसे कि हम लोग इसके लिए यूज करते हैं शेयर पॉइंट, स्काइपी फॉर बिजनेसेज। फिर आता है हमारा इंटरनेट ब्राउजर्स, इसका हम यूज करते हैं यूज टू एक्सेस एंड व्यू वेबसाइट। किसी भी वेबसाइट को एक्सेस करने के लिए या देखने के लिए हम ब्राउजर का यूज करते हैं, जैसे कि नेटस्केप नेविगेटर, MS इंटरनेट एक्सप्लोरर एंड गूगल क्रोम। ये सारे क्या होते हैं, आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं। फिर आपका आता है मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। इसमें क्या होता है, टूल्स यूज फॉर अ मिक्सचर ऑफ ऑडियो वीडियो इमेज एंड टेक्स्ट कंटेंट। मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, ऑडियो वीडियो और जो भी इमेज या टेक्स्ट होता है उन सबको क्या करते हैं, कंबाइंड करते हैं, मिक्सिंग करते हैं, और मिक्सिंग करने के बाद एक विजुअल इफेक्ट क्रिएट होता है जो कि हम लोग वीडियो के रूप में देखते हैं। तो मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर क्या आता है, आपका रियल प्लेयर या मीडिया प्लेयर, ये सब आपके क्या होते हैं, मल्टीमीडिया सॉफ्टवेयर। अब हम समझते हैं फ्रीवेयर क्या होता है। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर इज एनी सॉफ्टवेयर दैट इज अवेलेबल टू यूज फॉर फ्री। फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री में अवेलेबल होते हैं। दे कैन बी डाउनलोडेड एंड इंस्टॉल्ड ओवर द इंटरनेट विदाउट एनी कॉस्ट। इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं कहाँ से, इंटरनेट से, बिना कोई पैसे के, जिसमें आपका होता है गूगल क्रोम, कैपी, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट या एडोब रीडर। ये सारे आपके फ्रीवेयर सॉफ्टवेयर होते हैं जिनको आप फ्री में यूज कर सकते हैं। इसमें एक पॉइंट और भी है, ये फ्री सॉफ्टवेयर होते हैं पर किसी किसी में इनके सर्विस के कुछ चार्जेज भी होते हैं। फिर हमारा आता है शेयरवेयर। शेयरवेयर ऑन द अदर हैंड आर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशंस दैट आर पेड प्रोग्राम्स बट आर मेड अवेलेबल फॉर फ्री फॉर अ लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम नोन एज ट्रायल पीरियड। शेयरवेयर वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो कि फ्री तो होता है पर वो लिमिटेड टाइम के लिए होता है, जिसे हम ट्रायल पीरियड कहते हैं। उसके बाद क्या करना होता है, उस सॉफ्टवेयर के लिए आपको पेड करना होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, शेयरवेयर, जिसमें आपका एडोब फोटोशॉप हुआ, एडोब इलस्ट्रेटर हुआ, नेटफ्लिक्स ऐप हुआ, मैटलैब हुआ, मैकैफे एंटीवायरसेज हुआ, ये सारे क्या होते हैं, शेयरवेयर होते हैं। अब आपका आता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। दिस इज अ टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर दैट हैज वन ओपन सोर्स कोड दैट इज अवेलेबल टू यूज फॉर ऑल यूजर्स। इस तरीके के जो सॉफ्टवेयर होते हैं वो क्या होता है, इनका जो कोड लिखा होता है वो ओपन होता है, जो कि कोई भी यूजर इसको यूज कर सकता है और इसमें क्या कर सकता है, इट कैन बी मॉडिफाइड एंड शेयर विद एनीवन फॉर एनी पर्पस। और इसको क्या कर सकता है, किसी के साथ भी ये शेयर कर सकता है और उसमें क्या कर सकता है, चेंजेज कर सकता है। जैसे कि PHP, जे न्यू इमेज मैनिपुलेशन प्रोग्राम, ये सब क्या है, आपके ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। अब हम समझते हैं क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर। दीज आर द टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर दैट आर नॉन फ्री फॉर द प्रोग्रामर्स। इस तरीके के सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, प्रोग्रामर्स के लिए फ्री नहीं होते हैं। फॉर दिस सॉफ्टवेयर द सोर्स कोड इज द इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑफ सॉफ्टवेयर पब्लिशर्स। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर जो होते हैं इस पे जो मेनली अधिकार होता है वो पब्लिशर का होता है उसके सोर्स कोड पे। इट इज ऑल्सो कॉल्ड ए प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर सिंस ओनली द ओरिजिनल ऑथर्स कैन कॉपी मॉडिफाई एंड शेयर द सॉफ्टवेयर। इस तरीके के सॉफ्टवेयर को हम क्या कहते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, क्योंकि इस पे जो ओरिजिनल कॉपी होता है इस पे किसका अधिकार होता है, इसके ऑथर का अधिकार होता है, वही चाहेगा तो इसमें क्या कर सकता है, मॉडिफाई कर सकता है या किसी
के साथ शेयर कर सकता है। जैसे कि आपका इसका एग्जांपल हुआ .NET, जावा, एंड्रॉयड, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, एडोब फोटोशॉप। तो ये था हमारा वीडियो हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर के बारे में, जिसमें हमने समझा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो हमारा वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं, हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर करें, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।